नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब की करुणा की। बाबा साहब के कठोर भाषणों से उनके करुणा में मन का पता नहीं चलता होगा, लेकिन बाबा साहब एक बहुत ही करुणामय और दयालु भाव के व्यक्ति थे। वह अक्सर बीमार रहते थे, इसीलिए उन्हें जब भी किसी और की बीमारी का पता चलता था तो वे चिंता में हो जाते थे। एक दिन जब उन्हें अपने चौकीदार सुदामा की बीमारी का पता चला तो उनकी करुणा जाग उठी। 3 दिसंबर 1956 को कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, फिर भी बाबा साहब अपने सहयोगी नानक ऋतु जी के साथ सुदामा का हालचाल जानने के लिए निकल चुके थे। सुदामा के रहन सहन का इंतजाम बाबा साहब ने अपने बंगलों पर ही कर रखा था, लेकिन सुदामा को यह चिंता खाई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। वह इसी चिंता में था कि तभी बाबा साहब उसके घर में दाखिल हुए। वह बाबा साहब को देख के फूट फूट के रोने लगा। उन्होंने कहा कि आप जैसे महान इंसान मेरी तबीयत का हालचाल पूछने के लिए आए हैं, इससे ही मैं प्रसन्न हो गया हूँ, इससे ही मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ, इसके अलावा मैं आपकी और कितनी प्रशंसा कर नहीं सकता। बाबा साहब से सुदामा ने सिर्फ एक प्रश्न किया कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। बाबा साहब ने कहा कि क्या तुम मरने से डरते हो, एक दिन तो सबको मरना है, तुम्हें भी मुझे भी, ना तुम्हारा जीवन सदा के लिए है और ना मेरा, तो मरने से डरना कैसा। चिंता मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, मैं घर पहुंच के तुम्हारे लिए दवाइयाँ भी भिजवा दूंगा। बाबा साहब ने ऐसा ही किया, वह घर पहुंच के सुदामा के लिए दवाइयाँ भिजवा दी, लेकिन वह खुद भी जानते थे कि उनकी बीमारी के चलते तहत वह उनका जीवन काल भी ज़्यादा दिनों का नहीं है, वह अगली सुबह शायद कभी देख ना पाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।